आप कल्पना करें, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, लोग वीडियो बनाते रहते हैं, और पानी बिसलरी बोतल रखी है थैले में, पर्स में रखी है मैडम के, पर कोई भी इतनी जरूरत नहीं करता कि पानी इनका मुंह पे डाल दें, पिला दें, कुछ कर दें, खाली वीडियो बना रहे हैं, पानी रखा है। क्यों? दोष हमारा नहीं है, दोष उसका है जो पड़ा तड़फ रहा है, उसका ही पाप है। इतनी पानी की बोतलें होके भी कोई पानी बूंद भर मुंह में नहीं डाल रहा, वीडियो बनाने में लगे हैं और आंखों के सामने फड़फड़ा करके प्राण छोड़ दिया। राजा का आज ऐसा ही हाल है। बिरहंग तक कया न कर्मम। राजा ने सुबह से पाप ही पाप किया। आज निर अपराध हिरणों को मारा, सबकी जान को लेना चाहते थे राजा परीक्षित, और जब आज अपनी जान पर आ पड़ी प्यास के कारण प्राण चले जाएंगे, राजा घबरा गया। तो राजा कहां गए? राजा फिर चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा आधी मदद तो भगवान करने पहुंच गए, देख लो, आधी मदद और करेंगे, पर आधी तो ऐसे भगवान कर रहे हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का नाम है, आधा ये चंद, कृष्ण चंद्र। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र वंश में अवतार लिया। चंदा की चमकती चांदनी में परमात्मा ने अवतार लिया था। चंद्रमा प्रकट हो गया। राजा को दूर से एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। राजा परीक्षित उस कुटिया पर पहुंचे और आवाज देने लगे, पानी पिलाओ पानी, पानी नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। कौन है कुटिया में महात्मा? चक्रवर्ती सम्राट मैं परीक्षित, जंगल में फंस गया हूं, अंधेरा हो गया है, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। राजा पगडंडी भूल गए रात के अंधेरे में, घोड़ा कहीं खुद कहीं, मुश्किल आ गई। कोई कितना बलवान हो, ज्ञानवान हो, जीवन में वो कोई गलती नहीं करेगा या रास्ता नहीं भटकेगा, ऐसा संभव नहीं है, हो सकता है। अंदर जो महात्मा बैठे थे उनका नाम है समक ऋषि। कहते हैं हजारों वर्षों से समाधि में बैठे थे, उनका शरीर पूरा दीमक से भरा हुआ था, उनके कानों से कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि समाधि में जो चला गया वो सुनता नहीं, किसी को देखता नहीं। राजा को लगा कि महात्मा कैसा महात्मा है? अरे भाई, ये महात्मा कैसा है जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकता, तो काय का महात्मा, इसका क्यों सम्मान किया जाए? राजा क्रोध में आ गए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बुद्धि पे कलयुग बैठा हुआ है। राजा के मन में फिर हिंसा पैदा हुई, क्रोध कर लिया, और मरा हुआ सांप पड़ा था झाड़ी में, निकाल कर राजा ने ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही समक ऋषि के गले में सर्प पड़ा मरा हुआ, मानो ऋषि का अपमान राजा ने किया, अचानक पूरी प्रकृति रूठ गई राजा से। बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगे, सूखी नदियों में बादल फटने लगे, बाढ़ आ गई, चारों तरफ से सृष्टि के ऊपर आतंक फैल गया कष्टों का। बादल ऐसे नहीं फटते कहीं, जहां पापों का बोझ ज्यादा हो जाए बादल वहीं फटता है, बिजली भी वहीं गिरती है जहां पाप ज्यादा हो जाए। बाढ़ के पानी में डूब के भी तभी मरना होता है जब पाप ज्यादा हो जाए। ये क्या है? ये दैवीय विपत्ता है, और दैवीय विपत्ता आती तब है जब किसी महापुरुष के ऊपर कोई अपराध कर दे, कोई अपमान कर दे। इसीलिए महापुरुषों का अपमान करने से जितना बचा जाए बचना चाहिए। हमसे सम्मान नहीं सद रहा है तो उनका अपमान करने का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए।
स्वार्थ में अंधे होकर अज्ञान होकर आदमी चुकता नहीं है, उसका परिणाम है नरक भोगना पड़ता है जीते जी और मर के भी। कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, आप संत का अपमान करोगे और आपका कोई सम्मान करेगा समाज में, ये हो नहीं सकता। आपकी आत्मा आपका मन ही आपको कदोड़ कदोड़ के खाएगा रात में और दिन में, क्योंकि गलत तो गलत ही है। चाहे आप ईगो में करो स्वार्थ में करो, पर गलत कर्म गलत होता है, गलत का परिणाम अच्छा कभी नहीं होता। आखिर में राजा को धरती पर राजा गिर पड़ा, गैर होश हो गया। शमक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान में बैठकर देखा, अचानक नदी में बाढ़, सूखे में बाढ़, बिना मौसम के बादल फटना। ध्यान किया तो उसको पता चला ध्यान में कि किसी महात्मा का, किसी महान ऋषि का अपमान किसी ने किया है, उसके कारण सारे देवता प्रकृति के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। इसीलिए अपने गुरुदेव का और अपने माता पिता का कभी भी भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं बिजली गिरेगी तुम्हारे ऊपर पता ही नहीं चलेगा, ऐसा बड़ा भूकंप का झटका आएगा कि सीधे दरार में फंस के पाताल में चले जाओगे, धरती फटेगी और तुम समा जाओगे। इसीलिए बुद्धि को संभालो, समझ समझ कर जीवन जियो। जिन्होंने ये सुंदर तन दिया है, जिन्होंने इस तन पर सालों मालिश की है, जिन्होंने इस तन के लिए गला गला के बादाम मनुका घस घस के सलेट पर खिलाए हैं, अरे पिताजी जो है सिलवटना के ऊपर बादाम रगड़ रगड़ कर बेटाओं को पहलवानी करवाता रहा और वही पहलवान होकर के पिता को कूट रहे हैं, सारी दादागिरी बाप के ऊपर माँ के ऊपर निकालते हैं। जो शर्म से लाज से ढका हुआ है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, है? जिसका मान और सम्मान है उसको ही अपमान करना चाहते हैं। क्यों? उनको लगता है ऐसा, अपना तो कुछ है नहीं, जिनका है उनको नहीं पसंद आता फिर, इसीलिए ना चाहिए ऐसा। क्यों? भगवान यही कहते हैं, अपने निज स्वार्थ में कभी किसी का कर्म खराब नहीं करना चाहिए, अपने मतलब के लिए कभी किसी का खराब नहीं करना चाहिए। उसे पकड़ के रखो, गांठ मार लो सभी लोग, काम आएगा रोज जीने में, आपका जीवन निश्चल उज्जवल होगा। माता पिता के सम्मान से औलाद का सम्मान समाज में कई गुना बढ़ जाता है, ये ध्यान कर लेना। जिस घर में बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं लोग, पूरे गांव में मोहल्ले में समाज में उसके घर की बहू और बेटों का नाम निकलता ही रहता है। कुछ भी कर लो भाई, फलाने आदमी की सेवा जो हुई, उसके बच्चों ने जो की, वो इस युग में कोई नहीं कर सकेगा, हमारे खुद के बच्चे भी नहीं करेंगे, लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। क्योंकि स्तुति ही दुनिया में सबसे बड़ी सम्मान की चीज होती है, जो भगवान की होती है वो तुम्हारी भी स्तुति होती है। कर्म से होगा सब। कुछ लोग डंडे से स्तुति करवाते कंस की तरह, मार मार के हमारी प्रशंसा करो, हम अच्छे हैं, बोलो, नहीं तो मारूंगा, बोलो मैं अच्छा हूं, बोलो। कुछ लोग जबरदस्ती प्रेशर बना के अपनी अच्छाइयों को बुलवाते हैं, एक से बुलवा लोगे, दो से बुलवा लोगे, सब नहीं बोलेंगे, तुम्हारे चंगुल में सब नहीं आएंगे। तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, किसी से बुलवाने की क्या जरूरत है कि तुम अच्छे हो, अच्छे तो अच्छे ही रहते हैं। जो अच्छे नहीं है उनको अच्छे होने का प्रमाण चाहिए तुमसे,
अपने दोस्त और दूसरों के गुण जो देखता है वो सबसे अच्छा माना गया है शास्त्रों में। अपने दोस्त देखे और दूसरों के गुण, पर ऐसा कठिन है। आदमी अपने गुण देखता है, दूसरों के दोष देखता है। वो तो ऐसा है, वो का है, वो अच्छा, वो कोई, ऐसा है हाल। और अपने बारे में हम तो हम ही महाराज, कुछ आनंद नहीं है ऐसी झूठी स्तुति और झूठी प्रशंसा में। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, आज राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, तुमने अज्ञान अहंकार बस मेरे पिता समक ऋषि का अपमान किया है। जो सर्प तुमने मरा हुआ जानकर डाला, वही सर्प का कर्म तुम्हारा जिंदा हो गया। अब वो ही सर्प तुम्हें सातवें दिन जीवित होकर डसेगा और तुम्हारी मौत हो गई। तुमने मेरे पिता को जीते जी मार दिया अपमान करके। देखिए, अपमान होने के बाद में तो जीना न जीने के बराबर होता है। श्राप दे दिया कि यही सर्प तुम्हें सातवें दिन जीवित होकर के डस लेगा। अब तो राजा व्याकुल हो गए, श्राप सुना, आकाशवाणी सुनी, और वो भी श्रृंगी ऋषि के मुख से। ऐसा ऋषि जिसके वचन से राम और भरत का जन्म हुआ राजा दशरथ के घर में, वो श्रृंगी ऋषि जिनके वचन मात्र से, मुख से निकला हुआ मंत्र कौशल्या के लिए वरदान बन गया हो, वो श्रृंगी ऋषि। इतना तप उनका, जिन्होंने दूर से पहचान लिया कि मेरे पिता का अपमान कर दिया किसी राजा ने। इतना त्रिलोकी त्रिदर्शी अंतर्यामी ऋषि, राजा रोने लगे, व्याकुल हो गए परीक्षित, यह गलती कैसे हो गई मुझसे। राजा ने मुकुट को उतार कर फेंक दिया, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पड़ी थी हीरे मोती की, फेंक दी। जैसे ही राजा ने मुकुट उतारा, माला वाला उतारी, राजा की बुद्धि पहले जैसी शुद्ध हो गई महाराज। कलयुग उतर गया। आज राजा ने जो कुछ भी पहना हुआ था, आभूषण वगैरह, सारे के सारे, सबके सब चोरों के थे, ऐसा पकड़ लो। सारा का सारा धन काला धन था, ऐसा पकड़ लो आप। ये जो मुकुट की कथा है ना, इसके लिए लिखा है कि जरासंध को मारकर भीम जरासंध के मुकुट को चुरा के लाए थे निशानी के रूप में, और ला करके बक्से में रख दिया चुपचाप। बस उसी मुकुट में कलयुग आया, कुबेर का खजाना भरा था, कलयुग नहीं था किसी भी चीज में। इसीलिए किसी की चोरी का विचार, चोरी का भोजन, चोरी का कपड़ा, चोरी का सोना, चोरी का माल, ये कलयुग है। चोरी के पैसे से किसी ने घर नहीं बनाया, बंगला नहीं बनाया, किसी ने भोजन नहीं पाया, आदमी उसे तो 10 दिन में ही उड़ाकर फ्री हो जाता है। किसी भी जेब कतरा के पास में कमरा रहने के लिए नहीं है, ये ध्यान कर लो। जितने भी चोर अलवर में घूम रहे हैं चोरी करते, किसी के पास में बढ़िया कपड़े तक नहीं है पहनने को, ये सोच लो। खाना अच्छा खा नहीं सकता, रात में अच्छा सो नहीं सकता, अपने घर में रह नहीं सकता, तो क्या कमाई कर रहा है। अरे महाराज, 500 नहीं तो 700, 700 नहीं तो 400 कमा लेगा। हाथ में फावड़ा उठा ले, अरे कहीं जाकर के गड्ढा खोदना शुरू कर दे। 500 रुपए लेकर घर में जाकर के अपने बच्चों के साथ में खुले में सोएगा, किसी का डर नहीं लगेगा, और रोटी सब्जी नहीं तो चटनी रोटी खा लेगा, डर नहीं रहेगा, भागे भागे नहीं फिरेगा, जंगल जंगल मंगल मंगल। चोरी करने में क्या कम परिश्रम लगता होगा क्या? परिश्रम तो दुनिया भर का लगता है उसमें, पर आदमी की मति और बुद्धि का क्या कहना। परीक्षित गिरे हैं, रो रहे हैं, कोई मदद करो, कोई रक्षा करो। अब कौन रक्षा करेगा? सारी प्रजा जुड़ गई, सारे रिश्तेदार जुड़ गए, प्रजा के साथ में
राजा के क्षेत्र में जो संत महात्मा रहते थे वो भी सब जुड़ गए तमाशा देखने के लिए। राजा को सांप डसेगा, सातवें दिन राजा को मौत आएगी, लोग राजा को बचाने वाला कोई नहीं, सब तमाशा देखने वाले आ गए महाराज। अच्छा बोलो, आपको क्या लगता है हॉस्पिटल में जो आते हैं, जीजा साले मौसी बड़ी मौसी छोटी साली बड़ी भुआ, ये सब तुम्हें बचाने के लिए आते हैं हॉस्पिटलों में? ये सब लीला देखने आते हैं। लीला कहाँ पे सुरंज घुसड़ रही है, कहाँ पे निल्ड घुसड़ रही है, कौन सी बोतल चल रही है, और कम मरने का बोल दिया डॉक्टर ने, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? तो आधे तो सेब संतरा इसी बात के लाते हैं कि ये जल्दी से निपट जाए। सेब धरने से पहले हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे घुसते हैं कार में से उतर के, चर्चा प्रवचन क्या रहता है उनका मियां बीवी का पता है? मियां बीवी से कहता है तुझे कुछ पता है ये हॉस्पिटल में क्यों पड़ा है, इसके कर्म खोटे खोटे। और जैसे ही दोनों पास में पहुंचते मरीज के घर वालों के, ओहो एकदम मुंह सूखा हुआ मुंह, सबसे ज्यादा कष्ट है इनको, इतना दुख है, ऐसा मुंह बना लिया, एक्टिंग चालू है। सेब रख दी जाकर सिरहाने और बैठ गए टेबल पे। धीरे धीरे नीचे से ऊपर को मुंह उठाएंगे, आंखें मिलाएंगे, लेडीज जो है वो तो आंसू भर लावेगी, आंसू टपका भी देगी मोरनी की तरह। मरीज को ऐसा लगता है कि कितना मुझे चाहते हैं ये। एकदम सही और कह रहा हूं, इसमें से 20% लोग ऐसे आते हैं जिनको मरीज सही चाहिए, अच्छा चाहिए। हे भगवान, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं महाराज कुछ भी कम पड़े आप हमें फोन लगा देना, पैसे हम देंगे पर हमारा भैया ठीक हो जाए, हमारे जीजा ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पर ज़्यादा लोग तो आप जानते हैं। अच्छा बोलिए, चौराहे पर जो डुमडुमी बजा करके थोड़ी देर बैठ जाता है थैला लेकर के, हाथ में लठिया बजाता है, सो रोड पे मार मार के बोलता है, डमडमी बजाता है, उसकी डमडमी को सुन करके चारों तरफ की पब्लिक धीरे धीरे जुड़ जाती है, उसका नाम है तमाशा देखने वाले। तमाशा देखते हैं, जादूगर का जादू होता है, उसका मदारी बार बार मरता है, वो चाकू मारता है, छुरी मारता है, खून दिखाता है और वो तालियां बजाते हैं सबके सब तमाशा वाले। अब बोलो, सामने वाला का मदारी मर गया और वो तालियां बजा रहे। इसीलिए कहा गया है कि जगत तमाशा देखने वालों में से कोई है एक जो तुम्हारे चाहने वाला है। इतने तालियां बजा रहे थे, तमाशा समाप्त हुआ तो उसमें से 10 लोगों ने दक्षिणा चढ़ाई, पैसा दिया उसको, बाकी सब चल दिया अपने अपने किक मार के मोटरसाइकिल में, हो गया तमाशा, खेल खत्म, पैसा हजम। बस यही है तमाशा संसार का। राजा परीक्षित ने आज परीक्षा कर ली अपने जीवन की। राजा ने संतों को देखा तो संत सभी राजा की तरफ, सब राजा का सुख चाहते, संत महात्मा। जिन संतों ने राजा के हाथ से कभी भोजन नहीं लिया, भंडारा नहीं लिया, दक्षिणा नहीं ली, पर वो सब संत यही कहते हैं, राजन आपको जो श्राप लगा है वो परम सत्य है, वो कभी झूठ नहीं होगा। इस समय आपको चाहिए कि आप इस समय सिर्फ भगवान का ही हित लगाओ। जैसे ही महात्माओं ने राजा को कहा कि इस समय केवल भगवान ही तुम्हारा साथी है, इतने देर में ही राजा परीक्षित को अपनी माँ का दिया हुआ ज्ञान बचपन का याद आ गया। साधु के याद दिलाने से साधु ने केवल इतना ही कहा कि भगवान साथी है तुम्हारा, कोई साथी नहीं है, अब इन 7 दिनों में जितना तुम चाहो कल्याण कर लो अपने भगवान से। राजा को ध्यान आया कि मेरी माँ मुझे जब गोद खिलाती थी तो मुझे रोज यही पट्टी पढ़ाती थी कि हे पुत्र
जीवन में जब तू कभी अकेला पड़ जाए, संकट आ जाए, तो तेरा पेट में जिसने रक्षा की वो गोविंद ही तेरी रक्षा करेगा। तू चाचा मामा को मत फोन लगाना, ठाकुर को स्मरण करना। राजा परीक्षित भगवान द्वारका नाथ का गीत गाने लगे, उनका ध्यान करने लगे, गुनगुनाने लगे भगवान को। मुझे लगता है बहुत लाभ मिलता है आपत्ति में, संकट में, दुख में, अकेले में प्रभु को ध्यान करने से बड़ा लाभ आता है। बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, चमत्कार होते हैं महाराज, करना ही चाहिए। बूटी हरी के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरी के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। बूटी हरी के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरी के नाम सबको पिला के पी, बूटी हरी के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। बूटी हरी के नाम की, तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। देखिए जो लेट आए हैं उनको ज्यादा कमाना चाहिए, पीछे वालों तुम्हारे लिए स्पेशल कैमरा लगवा रहा हूं, जरा पीछे वाले, पीछे वाले, आगे वालों का ज्यादा हो गया कैमरा। अपने शीस पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीस पे गंगा चढ़ा के पी, गंगा चढ़ा के पी, गंगा चढ़ा के पी, गंगा चढ़ा के पी, गंगा चढ़ा के पी। ठोकर से श्री राम ने, ठोकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी, ठोकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी। बूटी हरी के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरी के नाम की सबको पिला के पी।
पर उठा के पी, सिर पर उठा के पी। पाली ने चोट बाण की, पाली ने चोट बाण की, सीने पे खा के पी। पाली ने चोट बाण की, सीने पे खा के पी। ऊटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, ऊटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना आए, पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम परीक्षित को संत महात्माओं ने एक महान वैरागी संत का पता बता दिया। भगवान श्री हरि का नाम जपते हुए परीक्षित अपने राज्य पाठ परिवार को त्याग करके इस विपत्ति में साधु के पास ही गए, और वो साधु कौन है? वो श्री दिगंबर भगवान श्री सुखदेव जी हैं। जैसे ही राजा परीक्षित गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी की शरणागति पहुंचे, संत का स्वभाव जो होता है वो दर्शन कराते हुए राजा को गले लगा लिया। संत ने कहा, राजन अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा श्राप भी नहीं रहेगा, पाप भी नहीं रहेगा। भगवान सुखदेव जी ने राजा को गुरु मंत्र दिया, हरि नाम दे दिया, दीक्षा शिष्य बना लिया। सुखदेव जी तो निरंतर पाठ कर रहे थे, भगवान शिव के रूप में ही तो सुखदेव जी आए। बंधुओं, आज स्वयं शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके श्रीमद् भागवत का परम ज्ञान दिया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मेरे जैसे व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसको इन पापों से मुक्ति प्राप्त हो? तो भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आसन्न जो पाप है, ऐसे पापों के लिए समय कम रह जाए प्रायश्चित का, तो ऐसे प्राणी को चाहिए कि वो पाप सहित ही भगवान के शरण में चला जाए, किसी गुरुदेव की शरण में
उसके सारे प्रायश्चित हो जाते हैं। दुख सुख पाप और पुण्य जन्म मरण का क्लेश जो चक्र के रूप में चल रहा है गुरुदेव, ये चक्र परमात्मा ने बनाया और चलाया क्यों? तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान का कार्य कर्मों का फल देना है। जीव के कल्याण के लिए, जीव के कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा समय समय पर सृष्टि करते हैं। इसीलिए परमात्मा ने पाप और पुण्य की, शुभ और अशुभ की, दुख और सुख की सृष्टि की, गुण दोष से सृष्टि को बनाया। भगवान को अपने लिए संसार रचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को ना नाम चाहिए, ना दाम चाहिए, ना भगवान को यश चाहिए, ना कीर्ति चाहिए, भगवान को ना किसी की पूजा चाहिए, ना पूजापा चाहिए। भगवान इन सारी चीजों में समाया हुआ है, उसे इनकी जरूरत नहीं है। पर वो जीव के कल्याण के लिए संसार बनाते हैं, उसमें आदमी अपने कर्मों का फल भोगते हुए सुखी और दुखी होता रहता है। संसार प्रभु ने बनाया, आदिशक्ति परमात्मा के गर्भ से भगवान नारायण का, नारायण की नाभि से ब्रह्मा का, और ब्रह्मा के यहां सारी सृष्टि का जन्म हुआ। ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, पर उनकी की हुई सृष्टि पानी में डूबती जा रही थी। हजारों वर्ष हो गए सृष्टि करते करते, ब्रह्मा सफल नहीं हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का, जिनके गर्भ से जन्म लिया ब्रह्मा ने, उसको ही सर्वस्व मानकर ध्यान किया 10,000 वर्षों तक। तब भगवान वराह अवतार लेकर आए और सीधा पाताल में चले गए, और वहां से जो पृथ्वी पाताल में चली गई थी प्रलय के बाद, वहां पर हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी पर शासन कर रहा था। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, उसका मरण करके भगवान पृथ्वी को आजाद कर लाए और ब्रह्मा जी को लाकर पृथ्वी समर्पण कर दी, और सरस्वती जैसी अमृत माता को देकर ब्रह्मा जी को कहा कि अब तुम सृष्टि करो, पालन करने वाला मैं अब आ चुका हूं। पालन करने के साथ में इस सृष्टि का कल्याण कौन करेगा? तो ब्रह्मा के ही तब से भगवान शंकर ने भी प्रकट ले लिया। ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, भगवान नारायण पालन कर रहे हैं, और शंकर भगवान सृष्टि का संहार कर रहे हैं। आज हिरणाक्ष का वध नारायण ने किया, इस कारण हिरणाक्ष का दूसरा भ्राता हिरण्यकश्यप अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु का दुश्मन हो गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कोई कितना मूर्ख हो सकता है। हिरण्यकश्यप इतना मूर्ख हो गया कि मैं भगवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई को मार डाला, मैं उस विष्णु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप अनेक साधनाएं करने लग गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु भगवान नारायण की परम भक्तानी, विष्णु भगवान के परम शिष्य, परम भक्त, पति इतना दुष्ट, भगवान का दुश्मन, पत्नी परमात्मा की सेविका, आज भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया कि हे देवी, तुम्हारी कोख से जो बालक पैदा होगा वो सबका कल्याण करने वाला होगा और मेरा परम भक्त होगा। महारानी कयाधु ने कहा, महाराज परम भक्त कैसे होगा, मेरा तो पति दुष्ट है, उसके अंश से मेरा गर्भ आएगा, वो कैसे परम भक्त हो सकता है? सारा नियोजन परमात्मा ने लगा दिया, आपकी कृपा से जो होगा सो होगा परमात्मा, पर मैंने जो व्रत लिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगी। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने व्रत लिया था, जब तक मेरे पति के मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा तब तक मैं उसके बच्चे की मां नहीं बनूंगी। आज वही हुआ, हिरण्यकश्यप पर्वतों में बैठकर ध्यान कर रहा है और भगवान विष्णु तोता बन करके नारायण नारायण कहकर उसके भंग कर रहे हैं व्रत को, उपासना को।
इस बार उपासना नहीं हुई, लौट कर घर आ गया। पत्नी ने देखा, ये तू 6 महीने के लिए गया था, आज ही आ गया, क्या हुआ, क्यों लौट आए? तो कहा, वो दुष्ट विष्णु आया, तोते का भेष बना बना कर उसने अपना नाम का उच्चारण किया, मेरा मंत्र दूषित कर दिया। क्या बोला उसने, क्या बोला? पत्नी पीछे पड़ गई। तो कहा, उसने नारायण बोला, नारायण बोला। पत्नी को इतनी खुशी हुई कि आज इस पापी के मुंह से मेरे परमात्मा का नाम निकल गया है, तो आज ही मुझे गर्भ धारण कर लेना चाहिए। आज कयाधु ने गर्भ धारण कर लिया। इस कथा से सीधा सीधा उपदेश संदेश मिल रहा है, जिस दिन पति पत्नी दोनों भजनानंदी हो जाएं, दोनों का दिमाग परमात्मा से जुड़ जाए, अगर उस दिन गर्भाधान हो, उस दिन संतान का निर्माण हो, तो संतान की क्वालिटी अति उत्तम हो जाएगी। दिमाग में ना विलास हो ना हास हो, परमात्मा का ध्यान भजन करते हुए सृष्टि का संचार करोगे तो बहुत उत्तम संतान होगी। बंधुओं, महारानी कयाधु के गर्भ पेट में आ गया और ये फिर से चला गया। इस बार महारानी प्रार्थना कर रही है, परमात्मा इस बार तोता बन के मत आना, नहीं तो ये दुष्ट फिर वापिस आ जाएगा, मेरे बच्चे के ऊपर इसकी परछाई पड़ेगी, इसीलिए अब ये 9 महीने मुझसे दूर रहना चाहिए। भगवान ने लीला कर दी, हिरण्यकश्यप ध्यान में बैठ गया ब्रह्मा जी के। 7 महीने गुजर गए, आया नहीं। महारानी कयाधु पीछे से नारद जी के आश्रम चली गई और गुपचुप उन्होंने दीक्षा ले ली और पेट के बच्चे को भी दीक्षा दिलवा दी। दोनों हरि गुण गाने लगे नारद के संग रह करके। 9वां मास आया, नारद के आश्रम में संत की साक्षी में ही बालक का जन्म हो गया। यही बालक भक्त प्रहलाद बन करके प्रकट हुआ। क्या है गर्भ की संज्ञा, क्या है गर्भ का व्यवहार, क्या है गर्भ की अवस्था? संत का दर्शन हो, गुरुदेव का दर्शन हो, गुरुदेव की वाणी सुनने को रोज मिले गर्भ में बालक को, तो बालक तो प्रहलाद ही होगा, भक्त ही होगा, वो कुल का घाती नहीं होगा, वो वंश का घाती नहीं होगा। भगवान ने वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कि जा, तू नहीं मरेगा ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से, न दिन में, न रात में, न सुबह, न शाम, न कार्तिक, न वैशाख, न मई, न जून, न जनवरी, न फरवरी। अब तो इसको इतना अहंकार आ गया, मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा, किसी तिथि में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, नर से नहीं, नारी से नहीं, तो विष्णु से लड़ने का पावर पैदा हो गया इसमें, अभिमान घमंड पैदा हो गया। घर आया, जैसे घर आया इसने देखा मैं पिता बन गया, पुत्र पैदा हुआ है, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, डबल खुशी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो गया और घर में पुत्र पैदा हो गया, इस खुशी में इसने अति शीघ्र ही अपने बालक को दैत्यों की विद्या लेने के लिए भेज दिया शुक्राचार्य के आश्रम में। शुक्राचार्य के आश्रम में शुक्राचार्य के पुत्र गुरु बने हैं बालक प्रहलाद को पढ़ाने के लिए, पर ये बालक तो पढ़ के आया है। आपके राजस्थान में कहते हैं ना कि चिता हुआ जो मोर है उसको चिताना नहीं पड़ता, वो तो चिता हुआ ही आता ऊपर से भगवान के यहां से। कुछ मनुष्य के अवतार भी ऐसे ही होते हैं जो भगवान के यहां से ही आते हैं, संभल कर बॉस बन करके, उनको धरती पर आकर के इन आडंबरों का आकर्षण खींचता नहीं है, वो जन्म जन्मों के संस्कारों के प्रभाव से। 3 वर्ष का बालक चला गया पढ़ने के लिए। हिरण्यकश्यप को लगता है कि जल्दी से जल्दी ये विष्णु का दुश्मन बने, और ये ज्ञान कौन देगा? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य से ज्यादा बड़ा दुश्मन कोई नहीं था विष्णु का, जातीय दुश्मनी शुक्राचार्य की विष्णु भगवान से हो गई थी। भगवान विष्णु के विरोध के लिए हमेशा काम करता था शुक्राचार्य। 3 वर्ष का बालक हो गया शुक्राचार्य के आश्रम में बड़ा पला, जन्म से ही मां से दूर कर दिया दुष्ट ने, मां रोती रहती बालक की याद में।
माँ का ममता, माँ का आंचल बालक को प्रहलाद को मिला नहीं था दुष्ट के कारण। उसे लगता था कि ये बिगाड़ देगी, हर समय विष्णु विष्णु करती है, बालक के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा। पहला गुरु माँ, माँ जैसा जीवन जीती है बालक का जीवन उसी तरह का होता है। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन एक वर्ष के बाद में पिता मिलने के लिए पहुंचा, बालक को गोद में लेकर के बैठा हिरण्यकश्यप, बालक प्रहलाद को गोद में लेकर बैठा हिरण्यकश्यप, आ जाओ। हिरण्यकश्यप ने बालक को गोद में लेकर कहा, पुत्र कहो क्या सिखाया है तुम्हारे गुरुदेव ने, उत्तम से उत्तम बताओ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बताओ, क्या पढ़ाया। तो कहा, पिताश्री आपने जिन गुरुओं के पास भेजा उन्होंने तो कोई पाठ अच्छा नहीं पढ़ाया, उनकी तो मति मारी गई है, पर मेरे गुरुदेव ने जो पढ़ाया है वो उत्तम पाठ यह है कि पिताश्री इस जगत में सारा संसार नश्वर और नासमान है, केवल नारायण ही परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, वही आनंद और कच्चिदानंद है। हिरण्यकश्यप ने पुत्र के मुख से जैसे ही स्तुति सुनी विष्णु की, हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमाने लग गया, अरे मोर मेरे दुश्मन की स्तुति कर रहा है, मूर्ख हो गया है, बालक को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी हिरण्यकश्यप ने, खंबे से बांध कर मारा, गरम गरम तेल डाल दिया, गरम सलाखाओं से जला दिया, पर बालक प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करत सब कोई, क्या बिगाड़ लेगा ये दुश्मन बन करके, भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी आकर के चमड़ी बन जाती हैं उसके ऊपर, कवच बन जाती हैं उसकी रक्षा करने के लिए। होलिका आ गई, हिरण्यकश्यप की बहिना, होलिका ने कहा, भ्राता तुम अपने हाथ गंदे मत करो, इसको तो मैं ही जला के भस्म कर दूंगी। होलिका गोद में लेकर बैठ गई, जैसे ही उसने स्त्री के रूप में क्रोध अग्नि को जलाया, बालक को जलाने के लिए कपट किया, बालक गोद में बैठा था, बुआ है, बुआ माँ के समान होती है, पर बुआ तो ऐसी निकली, अपने ही गड्ढे में जलकर राख हो गई। लक्ष्मी माता बालक प्रहलाद को उठाकर ले गई। होलिका जल के भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप को लगा मेरी बहन को भी खा गया ये, अब बड़ा होगा न जाने किस किस का हानि पहुंचाएगा, इसे मार डालना चाहिए, ये पुत्र नहीं कुपुत्र पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप अपनी तलवार लेकर के खड़ा हो गया बालक के ऊपर आंगन में, उठा उठा के पटके तलवार उछार उछार कर मारने का प्रयत्न करे, अरे मूर्ख आखिरी मौका है, या तो तू शरणागति हो जा हमारी, उस विष्णु को भूल जा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा और तेरे विष्णु को भी बुला ले, आज तुम दोनों गुरु चेले का खात्मा कर दूं। प्रहलाद कहने लगा, पिताश्री मेरे भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जगह मौजूद है, हर जगह खड़ा है, हर जगह बैठा है, उसका तो वास कण कण में है, आपके अंग अंग में आपकी तलवार में वो बसा है, जन्म देने वाला वही है तो मारने वाला वही है, आप मुझे मार नहीं सकते। हिरण्यकश्यप बहुत बलवान था, ब्रह्मा का वरदान भी प्राप्त हो गया, तो हिरण्यकश्यप को तो क्रोध आ गया और जल गया, और उसने आवाज दी, अरे मोर इतना ही तुझे विश्वास है विष्णु पर, तो आवाज लगा बुला, और वो अब तुझे मुझे मुझसे बचाए। प्रहलाद ने कहा, हरि पधारो, मेरे पिता का कल्याण करो। अरे कहां से आएगा तेरा हरि, वैकुंठ में रहता है वो यहां आ नहीं सकता, मेरी तलवार के डर से वो कभी मेरे सामने नहीं आया है, भेष बदल के आता है। फिर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मेरे परमात्मा जर्रे जर्रे में है, दीवाल में है, खंबे में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, खंबे में, अगर तुझे इतना विश्वास है मूर्ख बालक,
तो खम्भे से आवाज लगा के बोला, ले वो तेरी रक्षा करे, आज मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। बालक ने ध्यान लगाया और कहा, हे प्रभु, नारद जी ने जो मुझे विश्वास दिया है गुरु के रूप में, गुरु का वचन कभी झूठा नहीं जाता, इसलिए हे नारायण, आज मेरे गुरु के वचन का पालन करना, इस खंभे से ही प्रकट होकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ डालो। बस बालक के ऊपर जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार उछार के मारने का प्रयत्न किया, शेर की सनसनाहट हुई मानो आंधी आ रही है, और दर दर करके पूरा खंभा दरार पड़ गए, खंभा तड़क गया, और बीच खंभे से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, और झपट्टा मार के उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के ऊपर आक्रमण कर दिया, और नीचे डालकर छाती पर नाखून से प्राणांत करने लगे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। मैं प्राण ले लिया हूं तो नीचे उतार दे कटिया पे ऐसे मारा। हाँ, इस बालक को ले लो अब गोद में, बालक को ले लो, बालक को। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया और अपना वात्सल्य किया, प्रहलाद को पुचकारने लगे, अपनी जीवा से प्रेम करने लगे, चाटने लगे, और यही नरसिंह गीता का ज्ञान बच्चे प्रहलाद को दिया और कहा, वत्स, तेरी वजह से ही मेरा प्राकट्य हुआ है, और तेरे ही निमित्त पुत्र होने के नाते तेरे कारण तेरे दुष्ट पिता का उद्धार हुआ है, इसीलिए पिता के उद्धार के लिए पुत्र की विशेषता बनाई। प्रहलाद की कथा के कारण पता चला कि पुत्र के कारण पिता माता का उद्धार होता है, कोई पुत्र पर भक्त होना चाहिए, भगवान का मानने वाला धार्मिक होना चाहिए। भगवान ने वरदान दे दिया प्रहलाद को कि तुम राजा बन के राज्य करो और विवाह आदि करके समाज को संपन्न बनाओ। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा विरेचन, उस विरेचन के घर में जो पुत्र होगा राजा बलि, और तीनों पीढ़ियों में अब तुम्हारे यहां कोई भी दैत्य बुद्धि का प्राणी पैदा नहीं होगा, और मैं तुम्हारे यहां पर तीसरी पीढ़ी में फिर से तुम्हारे भक्ति के कारण ही पधारूंगा, और तुम्हारे पोते का भी मैं कल्याण करूंगा। भगवान नरसिंह ने ऐसा वरदान देके प्रहलाद को अपनी छवि को अदृश्य कर दिया, अपनी लीला को समाप्त कर दिया। ये कथा क्या सिखा रही है, क्या बता रही है? प्रहलाद का पावन विवाह हुआ, और विवाह के बाद प्रहलाद के संतान हुई। भक्त प्रहलाद ने अपने विरेचन के घर में उत्तम संतान का जन्म हो उसके लिए ज्येष्ठ पुत्र का विवाह अच्छी कन्या से किया। आज भागवत ने सिखाया कि कैसे बालक छोटी उम्र में भी भक्त बन सकता है, और उसकी भक्ति से कैसे भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान को प्रकट करने के लिए मैंने कहा ना, आपको जटा जूट या मुंडन या भेष नहीं, आपको गुरु की आज्ञा को मानकर उसके वचन का पालन करना चाहिए। इस नादान बालक ने गुरु के वचन का पालन किया, नारद के वचन का पालन किया, उस वचन के पालन से ही 5 वर्ष की आयु में भगवत दर्शन हो गए और अपने कुल का कल्याण करवा दिया इस बालक ने। बोलिए, कल्याण करने के लिए आदमी को कितने उपाय करने पड़ते हैं।
एक भक्त की वजह से कितनी पीढ़ियों में लाभ प्राप्त होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। ये कथा पितृ पक्ष में चल रही है। ऐसे पुत्र अगर पैदा हो जाएं तो पितरों को तरने में देर नहीं है, पापी से पापी भी पितर तर जाएगा ऐसी औलाद हो तो घर में। क्यों? एक भक्त घर में पैदा हो जाता है तो कई पीढ़ियों तक घर में कोई दुष्ट पैदा नहीं होता और भगवान को फिर से आना पड़ता है। ये भगवान की परम लीला है। भगवान के परम मंगल ये भागवतीय कथा है। ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, वराह भगवान के रूप में सृष्टि का जो कल्याण भगवान ने किया, घर की महिला का कितना महिमा बताई है। अगर दुष्ट पति मिले तो पत्नी सदाचारी होनी चाहिए, धर्मात्मा होनी चाहिए, परमात्मा को मानने वाली होनी चाहिए। अगर दुष्ट परिवार पूरा हो और उस घर की एक महिला नियम से भगवान की सेवा अर्चना करती हो तो वही एक ऐसा बालक जन्म दे देगी कि पूरे परिवार का तारण कर देगा, पूरे परिवार का उद्धार कर देगा। ये कौन कर सकता है? माताएं कर सकती हैं। माताओं में ये लक्षण पैदा करना चाहिए, माताओं को ये जन्म लेना चाहिए अपने अंदर से कि मेरा लक्षण भी ऐसा हो कि मैं भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में रहूं। और माताओं को ज्यादा से ज्यादा माना भी जाता है कि स्त्रियों में भक्ति भाव ज्यादा होता है, स्त्रियों में पूजा पाठ ज्यादा होता है, स्त्रियों की वजह से परिवार के परिवार सुधर गए, स्त्रियों की वजह से परिवार के परिवार मिट गए, पुरुष को सुधरने का मौका मिलता है, उसे सुधारा जा सकता है स्त्री के द्वारा। इसीलिए आप कथा श्रवण कर रहे हैं, जैसे ही पितर जाएंगे और पितर के बाद में देवी आएंगी, आपको पता है बिल्कुल क्रम सह बने हैं सब।